हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मैं इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर स्मार्ट मोशंस को यूज़ करेंगे। ये है वीवो के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटीज पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा था स्मार्ट मोशंस पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है, इसे कैसे यूज़ करना है। इस तरीके से मान लीजिए आपका जो मोबाइल है पहले से ओपन कर लेना है और ये मान लीजिए इस तरीके से ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। फर्स्ट आपको मिलता है रेस्ट टू वर्क, कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपका मोबाइल इस तरीके से टेबल पे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसे जैसे आप इसको हैंड में लेंगे इस तरीके से उठाएंगे आप, तो ये ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन ऑन हो जाता है इसका, तो ये काफ़ी अच्छा सेटिंग है। नेक्स्ट आपको बताते हैं डबल टैप टू वर्क का ऑप्शन मिला है, तो इसको क्या करना है। मान लीजिए ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से आपका मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है और डबल टैप करना है, तो आपका जो मोबाइल है इस तरीके से ऑन हो जाएगा। कहीं भी आपको मोबाइल आपको ओपन करना हो, एक हाथ से आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं आप। काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है डबल टैप, ये ऑफ होगा, आपको ऑन करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, तो यहाँ पर जो है होम स्क्रीन पर वर्क करेगा। डबल टैप करना है, मान लीजिए आपका मोबाइल इस तरीके से रखा है, आप मोबाइल छोड़ करके जा रहे हैं, अब उसको बंद करना है जल्दी में, आपको फटाफट डबल टैप करना है, आपका मोबाइल जो है इस तरीके से ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेटिंग है, यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बैक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पर एक और सेटिंग जो है वो है स्मार्ट वेक, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वॉक वेक जो भी है ये ऑफ करना है, आपको ऑन हो इस तरीके से मान लीजिए ऑफ होगा, आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें जो आपको ऑप्शन मिलता है, पहला आपको ऑप्शन मिला है स्लाइड अप वर्ड टू अनलॉक का ऑप्शन मिला है। मान लीजिए इस तरीके से ऑफ होगा, आपको ऑन करना है इससे पहले, उसके बाद स्लाइड अप वर्ड, मान लीजिए आपको मोबाइल इस तरीके से लॉक है, अगर आप इसको ऑन करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्लाइड अप करना है इस तरीके से। ये देखिए आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है स्लाइड डाउनवर्ड टू टेक ऑफ फोटोज़ का ऑप्शन मिला है, ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है और इस तरीके से आपको लॉक करना है। ये जितने भी है सभी लॉक स्क्रीन पर वर्क करता है सेटिंग, आपको यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है इस तरीके से, आप सीधा कैमरा सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। तो ये काफ़ी शॉर्टकट तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी और समय को बचाने के लिए दिया जाता है और काफ़ी शॉर्टकट तरीका है, यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है, ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है, सी ड्रॉ करना है तो ओपन डायलर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको लॉक करना है, यहाँ पर सी ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये देखिए आप सीधा डायलर की सेटिंग में आ जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है एम ड्रॉ करना है, म्यूज़िक प्ले होता है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके का एम आपको ड्रॉ करना है ताकि यहाँ पर आपको म्यूज़िक जो है प्ले हो जाए। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, हो चुका। अगर इसे बंद करना हो तो वापस आपको एम ड्रॉ करना है, बंद हो चुका। आपको इसे बंद करने के लिए दोबारा आपको एम ड्रॉ करना है और ये बंद हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सेटिंग है, देखिए ये म्यूज़िक प्ले हो जाता है, बस ड्रॉ करना ही म्यूज़िक प्ले होता है। यहाँ से देखिए यहाँ से म्यूज़िक प्ले होता है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, यहाँ पर इसे किसी ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पर म्यूज़िक चेंज होता है। यहाँ पर ड्रो ई टू लॉन्च ब्राउजर, ये ऑफ होगा, आपको ऑन करना है, लॉक करना है और इस तरीके से आपको ई ड्रो करना है, आपका ब्राउजर जो है लॉन्च हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी शॉर्टकट तरीका, यानी कि आप लॉक स्क्रीन से सीधा एंटर कर जाएंगे ब्राउजर में। तो बहुत इजी सेटिंग्स है आपको, अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग्स, आपके पास मोबाइल है ये, तो आप ज़रूर सभी सेटिंग्स का यूज़ करें। और यहाँ पर ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है, आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ऐप ड्रो करना है, आपका फेसबुक जो है ओपन हो जाएगा। इस छोटा तरीका देखिए, फेसबुक जो है ओपन हो चुका है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सेटिंग्स जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक टू टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन मिला है, इसको ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन करना है और आपको यहाँ पर स्क्रीन को, यहाँ पर जो लॉक मोबाइल है इसको इस तरीके से शेक करना है। ये देखिए ये अभी ब्लिंक हुआ था, आई थिंक दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इसी के शेक करना है।
ये देखिए आपका जो ब्लिंक ये है ओपन हो चुका, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो सेटिंग जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको फ्लैश लाइट को बंद करना हो तो आपको पावर बटन पे क्लिक करना है, ये बंद हो जाएगा। ये देखिए हो चुका। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है, बेहद सिंपल आपको दिया गया है सेटिंग्स। और यहाँ पर जो स्मार्ट वॉक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।